नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लेह में गरजे पीएम मोदी की, तेजस्वी की माफी पर गरमाई सियासत की, जानेंगे मध्य प्रदेश में क्यों छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई, और आखिर में बात सेवा क्षेत्र में जारी गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने टोल के जरिए अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की आय का जताया अनुमान। पहले 40,000 करोड़ रुपए का था अनुमान। देश में हाईवे की पहले की योजना को बदलने से सरकार को 16,000 करोड़ रुपए की होगी बचत। बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ज्यादा के 59 लाख वोटर पोस्टल बैलेट से डालेंगे वोट। केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव। राज्य में 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं करीब 59 लाख मतदाता। अब प्राइवेट कंपनियों की ट्रेनों को बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। रेलवे ने ट्रेन चलाने के लिए निजी सेक्टर को किया आमंत्रित। 109 रूट्स के लिए मंगाए गए प्रस्ताव। इस प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है निवेश। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। यूजर्स को बार बार भेजा जाएगा अलर्ट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 178 अंकों की तेजी के साथ 36,021 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 56 अंकों की तेजी के साथ 10,607 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। लद्दाख में पड़ोसी देश के साथ तनाव के हालात तो मई की शुरुआत से ही बने हुए थे, लेकिन 15 जून को पड़ोसी देश की हिमाकत के बाद ये और भी तल्ख हो गए। दोनों देशों के जवान आमने सामने आ गए। इसी बीच आज एक बार फिर केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त सुर्खियों में छा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देश को कड़ा संदेश भी दिया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। लद्दाख में पड़ोसी देश के साथ जारी तनातनी के बीच हालात का जायजा लेने आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका ये दौरा रद्द हो गया। इससे भी ज्यादा हैरान लोग उस वक्त हुए जब अचानक प्रधानमंत्री मोदी खुद लेह पहुंच गए। आज पीएम मोदी सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक तय हुआ था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जवानों के पराक्रम की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब देश की हिफाजत आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों की तरह अटल है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप माँ भारती की ढाल बनकर उसकी हिफाजत, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। एक तरफ पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश को कड़ा संदेश भी दे रहे थे। उन्होंने कहा, विस्तारवादी युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया। विस्तारवाद की जिद जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा विश्व शांति के सामने मुश्किल पैदा की है। इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हुई हैं। आपको बता दें, पड़ोसी देश के साथ जारी तमाम तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायने रखता है। पीएम के संदेश के बाद पड़ोसी देश ने कहा, दोनों देशों के बीच स्थिति नाजुक चल रही है, ऐसे में दोनों देशों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिससे कि बात और बिगड़े। अब देखना है ये तनाव कब और कहां जाकर खत्म होता है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज अचानक पीएम मोदी ने लेह पहुंचकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया तो पड़ोसी देश को भी सख्त संदेश दिया, लेकिन पड़ोसी देश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं, विपक्ष के सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया। पड़ोसी देश के साथ तनाव और विपक्ष के सवालों के बीच पीएम का दौरा क्या मायने रखता है? जी मीनाक्षी, आज जिस तरह पीएम मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे, उससे सभी को काफी हैरानी हुई। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मई महीने से लद्दाख में किस तरह के हालात बने हुए हैं, और इसका मुख्य कारण पड़ोसी देश चीन है, जिसके साथ संबंधों में खटास बढ़ी हुई है। 15 जून की घटना के बाद से तो चीन को लेकर देश में काफ़ी नाराजगी भी है, क्योंकि वो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ हमारी जमीन हथियाने की कुटिल चाल भी चल रहा है। जनता में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा भी है मीनाक्षी, और विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। मुसीबत के समय में एकजुट होने की बात तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन साथ सरकार से सही स्थिति भी जानना चाह रहा है।
सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देना तो जरूरी नहीं समझा। अलबत्ता आज मोदी जी ने लद्दाख पहुंचकर जो दांव चला है अब उस पर सियासी हलचल तेज हो गई है और उनके इस कदम पर अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं कि आखिर ऐसा करके मोदी जी ने क्या संदेश देना चाहा है। ये तो सही है कि उन्होंने पड़ोसी देश को बिना नाम लिए विस्तारवादी नीति छोड़ने की नसीहत दी है और उन्हें अपने बीच पाकर जवानों में भी नया जोश भर गया होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या हमारे संबंध पड़ोसी देश के साथ में सामान्य हो जाएंगे? क्या वो अपने कदम पीछे कर लेगा या मोदी जी के आज के दौरे से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा? क्या इस स्वास्थ्य मुसीबत और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच हम कुछ और बोझ सहन करने की हालत में हैं? मोदी जी के इस दौरे से ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं मीनाक्षी, लेकिन इनके जवाब मिलेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों कई उतार चढ़ाव से गुजर रही है। लालू यादव की गैर हाजिरी में उनके बेटे तेजस्वी पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने जनता को साधने के लिए एक नया दांव चल दिया है, जिससे सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दल जनता को साधने की जुगत भिड़ा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन जहां मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में खुद को जनता का हितैषी बता रहा है, तो वहीं अब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल लालू राबड़ी के 15 साल की सत्ता के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए तेजस्वी यादव ने जनता से माफी मांगी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ठीक है 15 साल हम लोग सत्ता में रहे पर हम सरकार में नहीं थे, हम छोटे थे, फिर भी हमारी सरकार रही। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के राज में सामाजिक न्याय नहीं हुआ। 15 साल में हमसे कोई भूल हुई थी तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि आखिर तेजस्वी ने माफी क्यों मांगी। दरअसल बिहार में इस वक्त तीन मुख्य राजनीतिक ताकत है, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इसमें से जेडीयू और बीजेपी एक साथ हैं। दोनों ही पार्टियां जनता को हमेशा याद दिलाती रहती हैं लालू राबड़ी के राज पे राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल था। बिहार के युवा वोटर भी आरजेडी नेताओं के किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और रामविलास पासवान साथ मिलकर लड़े थे। उस दौरान भी लालू यादव ने कई रैलियों में बतौर रेल मंत्री उनके द्वारा किए गए कामों का गुणगान किया और कहते हैं अगर बिहार की सत्ता में आए तो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने उनकी माफी को ठुकरा दिया था और लालू प्लस रामविलास की जोड़ी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अब तेजस्वी पार्टी की उस छवि को सुधारना चाहते हैं जिसके दम पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी मिलकर आरजेडी को घेरते हैं, क्योंकि दो चुनावों के नतीजे देखने के बाद तेजस्वी समझ चुके हैं कि आरजेडी की छवि जब तक नहीं सुधरेगी तब तक सत्ता उनसे दूर ही रहेगी। यही कारण है कि वो जनता से माफी मांग रहे हैं। अब तेजस्वी की माफी को जनता स्वीकार कर उन्हें बदलाव का मौका देती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए बदलाव देखने को जरूर मिल रहे हैं। माना जा रहा था कि ये सियासत कैबिनेट विस्तार के साथ थम जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में किस कदर बढ़ा है इससे पूरी पार्टी वाकिफ है। इसके साथ ही एमपी का सियासी समीकरण भी बदल गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कमल पकड़ा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सियासी समीकरण बदल गए। बीजेपी में भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का अब वहां एक छत्र राज हो गया। कमलनाथ से उन्हें चुनौती तो मिल सकती है, लेकिन कमलनाथ की पकड़ पूरे प्रदेश में नहीं है। राज्य में कांग्रेस में बड़े कद के अकेले नेता दिग्विजय सिंह ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा में कई शक्तियां दिखने लगी हैं। पहले ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के फैसले आरएसएस पार्टी संगठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से हो जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओहदा अचानक बढ़ गया है। माना जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नरोत्तम मिश्रा की नजदीकी है, जिसका फायदा उन्हें पार्टी में मिलने लगा है। तो वहीं कमलनाथ सरकार गिराने का श्रेय हासिल कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में काफी तवज्जो मिल रही है। जाहिर है जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद दिए गए हैं उससे सिंधिया के पार्टी में बढ़ते कद का पता लगता है। इस बीच वर्चस्व के ताने बाने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी चेहरा उभरा है। संगठन के मुखिया होने की वजह से उनका भी हस्तक्षेप कई मुद्दों पर दिखा। पार्टी के अंदर कई गुट भी दिखने लगे हैं, जिससे पार्टी संगठन में चिंता भी देखी जा रही है, क्योंकि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सर्वाधिक 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं और लगभग सभी टिकट सिंधिया समर्थकों को ही मिलने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के अंदर शुरू हुई गुटबाजी पार्टी को भारी पड़ सकती है।
एक तरफ मध्य प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती जा रही है तो वहीं देश पर आई स्वास्थ्य मुसीबत भी थमने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके सरकार छूट का दायरा बढ़ाती जा रही है। अनलॉक के दूसरे फेज में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब संस्कृति मंत्रालय ने देश के स्मारकों को फिर से खोलने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में 3 महीने पहले बंद किए गए ताजमहल और लाल किला समेत सभी स्मारकों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारक 6 जुलाई से जनता के लिए फिर से खुल जाएंगे, जिनमें केवल ई टिकट से प्रवेश मिलेगा और पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इससे पहले जून में संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई के रखरखाव वाले 3000 से ज्यादा स्मारकों में से 820 स्मारकों को फिर खोल दिया था, जहां धार्मिक समारोह होते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर 17 मार्च से 3691 स्मारक और पुरातत्व स्थल बंद थे, जिन्हें अब खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि राज्य और जिला प्रशासन की अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सभी स्मारकों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा और स्मारकों में प्रवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही टिकट जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही स्मारकों की पार्किंग और कैफेटेरिया में केवल डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक चुनिंदा स्मारकों में पर्यटकों की संख्या की एक सीमा तय होगी। पर्यटक सामाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे। नियम के मुताबिक एंट्री गेट पर हाथ धोने या सैनिटाइज करने और थर्मल स्कैनिंग की अनिवार्य व्यवस्था होगी। आगरा के ताजमहल में एक स्लॉट में 2500 पर्यटक जा सकेंगे। वहीं दिल्ली के कुतुब मीनार और लाल किले में प्रति स्लॉट अधिकतम 1500 लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात सेवा क्षेत्र में जारी गिरावट की। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अनलॉक 2 की शुरुआत कर दी, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाया जा सके, लेकिन हालात अभी सुधरते नजर नहीं आ रहे। इसी बीच परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में लगातार 4वें महीने गिरावट आई, जो हालात सुधरने के संकेत तो कतई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। भारत में स्वास्थ्य मुसीबत कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस मुसीबत को थामने के लिए जो पूर्णबंदी लागू की गई थी, उससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका असर हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। अब भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जून में लगातार 4वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। जून में ISH मार्केट इंडिया सर्विसेज की कारोबारी गतिविधियों का सूचकांक 33.7 रहा। इस वृद्धि के बावजूद जून में लगातार 4वें महीने भारतीय सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है, मई में ऐतिहासिक छटनी के बाद कंपनियों ने जून में भी छटनी जारी रखी। कंपनियों का कहना है कि काम नहीं होने के कारण उन्होंने छटनी की है। कुछ कंपनियों का ये भी कहना है कि काम करने के लिए कर्मचारी मिल ही नहीं रहे हैं। मार्च की तुलना में अप्रैल में और अप्रैल की तुलना में मई में भारी गिरावट रही थी। उस लिहाज से मई के मुकाबले जून की गिरावट कम रही। ISH मार्केट इंडिया सर्विसेज के खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी PMI के मुताबिक 50 से ऊपर का मतलब विस्तार से और 50 से नीचे का आशय गिरावट से होता है। ISH मार्केट के अर्थशास्त्री जॉय हायस ने कहा है, देश में स्वास्थ्य मुसीबत की स्थिति और खराब होने से भारत का सेवा क्षेत्र जून में भी गिरावट में रहा। उन्होंने कहा, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है, अगर ये मुसीबत काबू में नहीं आती है तो इसका प्रभाव इस साल की दूसरी छमाही में भी देखने को मिलेगा। सर्वे में शामिल एक बड़ा हिस्सा अब भी गतिविधियों में गिरावट और ऑर्डर घटने की जानकारी दे रहा है। ये भारत के लिए घरेलू मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर को दिखाता है। सर्वे के अनुसार 59% कंपनियों का कहना है कि जून में उनके उत्पादन में मई की तुलना में कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ 4% कंपनियों ने कहा है कि उनका उत्पादन बढ़ा है। 37% कंपनियों के उत्पादन में गिरावट आई है। इस बीच जून में नए ऑर्डरों में अधिक तेजी से गिरावट आई। ऐसे में अब कैसे हालात पर काबू पाने के लिए सरकार कदम उठाती है, ये देखना होगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहे टीवी लाइव। नमस्कार।